और कैसे हैं? और अच्छे लग रहे हैं, इसलिए हम कहीं बुला लें। गाड़ी आपकी थोड़ा खटारा टाइप की है, क्या करते हैं? अभी भी कुछ करते हैं? अच्छा अच्छा, बंद कर दीजिए, तेल फालतू का जल रहा है। कौन सा धंधा करते हैं सर? किराना की दुकान। कितनी उम्र हो गई आपकी? 70 हो गया, 65 से ऊपर हो रहा है। बढ़िया, लेकिन स्वस्थ लग रहे हैं देखने पर। इलाज होता है? अच्छा अच्छा, हेलमेट है कि नहीं है आपके पास? है, घर पे है? है तो लगाइए, ना हो तो हमसे कहिए, हम देते हैं। नहीं, हम देते हैं सर, हमारे पास हेलमेट है। आप नहीं कहोगे ना कि नहीं है तो मैं दे दूंगा, लेकिन है तो लगाइए। बुजुर्गों पर मैं खास ख्याल रखता हूँ, आजकल बुजुर्गों का लोग ख्याल नहीं रखते हैं, तो ये बीड़ा हमने उठाया है कि हम बुजुर्गों का ही ख्याल रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हैं, हमारे बुजुर्ग सेफ रहेंगे, हमारे बुजुर्ग सुरक्षित रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ी को अच्छी नसीहत देंगे, है ना? तो आप अगर लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी कहेगी कि देखिए दादा लगा रहे हैं तो हमको भी लगाना चाहिए। ठीक है, लगाइए, और नहीं हो तो अभी भी कहिए, हम देते हैं। अरे है नहीं आपके पास? अरे बैठिए बैठिए दादा, बैठिए, जाइए नहीं तो हमसे ये क्यों कहे कि है? अच्छा अच्छा, शर्माने की बात नहीं है, आप बैठिए आराम से। आज तक आपने नहीं लिया तो आगे भी मत लीजिए, हमसे ले लीजिए, हम तो बहुतों को रोज ही देते हैं, आपको ही बुलाए हैं इसीलिए। ठीक है, मैं दे रहा हूँ, लेकिन लगा के चलिए। पूछता हूँ दादा है कि नहीं है? नहीं है, इसका मतलब कि हेलमेट का महत्व मालूम नहीं है, इसीलिए जो है नहीं है। है लेकिन किताबों में है, जहन में नहीं है। बैठिए, हम पहनाते हैं आपको हेलमेट, लगा के चलिएगा बराबर। बैठिए, बैठो बैठो दादा, बैठो बैठो, संकोच मत करो, बैठो बैठो, बैठिए। आप लेंगे तब तक पता नहीं क्या है, संयोग क्या हो जाए। बैठिए, आराम से बैठो, अब बैठिए। बस अब इतना कृपा कर देना, अब से लगाना बराबर लगाइएगा, ठीक है? हमारा उद्देश्य जागरूक करने का होता है, समझ रहे हैं? ये सबको तो मैं नहीं दे सकता ना, तो मैंने एक क्राइटेरिया छाटा हुआ है कि जो उम्र दराज हैं अगर उनको देंगे तो अपने नस्ल को, जो उनके नस्ल उनके नीचे है, उनको भी वो समझाएंगे, उनको भी लगाएंगे। यानी आपको देने से दो लाभ हुआ, आपका बेटा भी लगाएगा, आप भी लगाओगे, फायदा हुआ ना। आपके बेटे को देते तो आपको नहीं लगवा पाता, लेकिन आपको देंगे तो आप उसको लगवा लेंगे। पहले आदमी मिले हैं जो हेलमेट लेने में शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। अगर आपकी बहुत ज़्यादा आय हो तो हमको दो हेलमेट खरीद के दे दीजिएगा, हम दूसरे लोगों को दे देंगे, ठीक है? और नहीं तो इसको लगा के चलिए। आप कह रहे हैं छोटा मोटा काम कर लेते हैं, हमको नहीं लगता कि इतनी आय है कि हमको आप दो दे पाएंगे, है ना? लगा के चलिएगा, ठीक है दादा? चलिए, शर्मिंदा मत होइए, बस न लगाने के प्रति शर्मिंदा होइएगा, गर्व से लगाइए जी। बहुत दूर तक हमको समझा दिया। हाँ, जिंदगी जो है, देखिए आजकल बुजुर्गों का लोग ख्याल कम कर रहे हैं और हम बुजुर्गों का ही ख्याल कर रहे हैं, है ना? मुझे मालूम है 10 साल बाद आपकी दशा मुझे भी पहुँचना है ना? ऊपर वाला कहीं से हमको राहत दे देगा। चलें सर, नमस्कार, ठीक है? अब लगाइएगा ऐसे मुस्कुराते हुए, जाइए।